झोला लेके। मामपी को क्या जरूरत है जाने का? हम जाएंगे आपको। अपने बाबा को खाना खिला रही है। हम जाएगा और कल मैं भी जा रही हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारा ट्रेन का टिकट हम ना तब से सोचे कि नहीं हो नहीं हो नहीं जाए मौसी लोग, टिकट आज कैंसिल हो जाए, कल जाए भले, कल जाओ। देख रही थी कितना फास्ट टाइम चेंज, ठीक है मतलब कुछ तो मौसी तो ऐसे ही टाइम में कुछ दिन पहले हम वेट कर रहे थे कब मौसी की कल आएगी, कल आएगी फोन करते, अभी दुर्गा पूजा भी खत्म। चल चल इसका बाल बाल झाड़ो, इतना अच्छा से साहब ये कर दिए हैं। तो अभी हम मौसी को थोड़ा सा चाउमीन बना के दिए ट्रेन के लिए, क्योंकि जब से इधर शिफ्ट हुए ना हम पहले से नहीं करते थे ट्रेन, मतलब ट्रेन चाउमीन बना दिए, चाउमीन बना दिए हैं। ये क्या कर रही हो? ये थोड़ा सा रखे मायरा के लिए, मायरा बहुत पसंद करती है चाउमीन ना, तो उसके लिए थोड़ा सा रखे, उसमें थोड़ा तीखा दे के बनाए हैं, तो मायरा के लिए रखे हम लोग मौसी को छोड़ के आगे गरम गरम मायरा के लिए बना के देंगे। तो हमको अच्छा लगता है टिफिन पैक करने में, बना के देने में। पहले हम लोग कहीं भी जाते थे ना तो टिफिन लेके नहीं जाते थे, लेकिन अभी लेके जाते हैं बना के। कौन आया? देख शेखर आया, हो गया जाने का क्योंकि उबेर भी आ गया। ये पहन के जाएगी और जो लेके जाएगी वो कहाँ है? वो तो पहन के आएंगे, वो उधर रहेगी, लेके आओ। देखो उधर लास्ट लास्ट में कुछ ना कुछ होता ना, छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। अभी हमको पन्नी जुगाड़ करना है, क्योंकि पन्नी में मौली एक ले जाएगी, मौली जो दो जुटाना है लेके जाएगी। मिला पन्नी? मिला क्या? ये पन्नी उधर एक वो बड़ी पन्नी आपको दी है, छोटी पन्नी इसमें नहीं आएगा। तो सुनो ना, जिसमें खाना दिए उसको इसमें कर देते हैं। मुझे खाना बहुत अंदर कर दिए क्या? नहीं, खाना इसमें रहते हैं। और अब हमारी मासी जी का विदाई का टाइम आ गया। झोला झोला लेके नाच नहीं करता इतना अच्छा आउटफिट में झोला लेके। सुनी ना, सुबह ही बोले थी, सुबह ही बोला था मम्मी, ये लेकिन हमने ले लिया। अरे कैमरे में कैप्चर हो गया, भैया खोल लीजिए उसे। मौली का येलो, ये येलो से याद आया हम लोग उदयपुर लेके गए थे इसको, नहीं? अरे मम्मी अब आप कैसे आएंगे तो? एक लोग कोई नहीं आ पाएगा। कौन नहीं आएगा? कोई तो नहीं आ पाएगा, इतना लोग कैसे जाएंगे? जाओ शेखर जाओ, बैठो बैठो। हम मौसी को लाने गए थे, तुम मौसी को लाने जाओ क्या? हाँ सही बात है, तुम छोड़ने चलो। मामपी को क्या जरूरत है जाने का? हम जाएंगे आपको। गाड़ियाँ निकालने बोले तो गाड़ियों में तो इतना गाड़ी में नहीं आता भैया, भीड़ है ना भैया, राम मंदिर में बहुत भीड़ है ना, देखा जल्दी जाना पड़ेगा। चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर लीजिए शेखर जी, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं रहने के कारण चाबी दे दीजिए। अब चलिए मौसी, हटिए ना, भैया
अरे खुल जाएगी ट्रेन, का है मजाक कर रहा। और अभी हमने अपने घर के लिए मंगाया एक लाइट, क्योंकि अभी सिर्फ मायरा का रूम था, मैंने बेडरूम टूर दिया है, मेरा नहीं दिया, तो मैं अपना भी दे ही दूंगा एक दो दिन में। ज़्यादा वेट करके कोई फ़ायदा है नहीं। मेरे बेडरूम का और क्या चाहिए था, लाइट आ गया है और सिर्फ वो ये चाहिए था। क्या क्या बोलते हैं उसको, कारपेट जो हाँ वो भी आज आते खरीद लेंगे। बाप रे कितना जल्दी खुल रही है। मारा इसको खोलने के लिए चाकू चाहिए भी। आप खोल पाओगे? रुको हाथ से खोल दे, खोल दे पूरा। तो सेट करना होगा। इलेक्ट्रिसिया नहीं कर पाए तो सब के पास चल रहा है। सब इलेक्ट्रिसियन पता होगा। कुछ तो दिया होगा लगाने के लिए। कुछ दिया नहीं है पेपर ऊपर। अरे हम लोग थोड़ी लगा पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन लगाएगा। वो दो ठो में होगा नीचे जो है बल्ब में है, कान में लगा रही है। बेटा देखिए उसका हाथ में क्या है, ले लीजिए उसका हाथ से। हम नहीं खाएंगे हो गया पेट भर गया। हम नहीं खाएंगे अब। तुम अकेले खा रहे? हम अकेले खा रहे ठीक। तुम नहीं खिलाओगे हमको? खिलाओगे खाना खिला रही है।
खाल जो नहीं बुला रहा, जैसे मंगतीश को खिलाते हैं ना खाल, तो देव को बुला देंगे मारेंगे थप्पड़, वैसे हमको बोलती है। डांटो बेटा, डांट के खिलाओ, डांट के। बड़ी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मायरा व्हाट इज योर फादर्स नेम? राहुल। मदर्स नेम मेरा मौसी मौनी चली गई है, घर पूरा खाली खाली लग रहा है। सच्ची मैं राहुल को वही बोल रही थी कि भाई तुम लोग कैसे अकेले रहोगे जब घर में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों को हमेशा लोगों के आजू बाजू रहने की आदत है, बहुत सारे लोग। पैर भी सुबह चला गया है और मैं भी कल जाने वाली हूँ, पूरा खाली मतलब ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये तुम्हारे यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, चाहे फिर वो मम्मी के घर से कोई आए या तुम्हारे घर से कोई आए। मैं अकेला रहता भी नहीं हूँ, तुम बचपन से वैसे ही रहे ना ऐसे सब लोगों के साथ मिल गए, चाहे फिर दोस्तों के साथ फैमिली के साथ। कल भाई भी चले जाएगी, पूरा घर सुना सुना लगेगा। कल हम जाएंगे अराउंड 10:30 तक निकलेंगे, 10:30 के बाद एयरपोर्ट पहुँचे, 1 घंटा लगेगा ना, 1 घंटा। कल मौसी और मौली के जाने के बाद पूरा घर खाली लग रहा है। मौली रहती थी तो पूरा अच्छा अच्छा खाना भी हम लोग खाते थे, टेस्टी टेस्टी आलू दम बनाती थी। और हमारी भाभी भी बेचारी एकदम शांत बैठी है, करण चले गए हैं क्या? कैमरामैन फोकस करो भाभी पे, कैमरामैन फोकस कर दिया तो यस करण चला गया, जैसे कि मैंने कहा सुबह सुबह गया, आज का दिन मेरे को कैसे तो काटना है। अभी फिलहाल मॉर्निंग है, बाहर धूप है, ऐसे हम लोग कहीं जा नहीं रहे, शाम को हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मैं और मम्मी हम लोग कुछ जाने वाले हैं, और शायद से राहुल और शेखर भी आ जाएंगे अगर हम लोग फ्री रहे तो। नहीं नहीं फ्री है हाँ। तो आज चलेंगे, मुझे बार बार फोकस करना पड़ रहा है आप पे, देख रहे हैं हाँ, क्योंकि ब्लर हो जा रहा है हाँ। अरे रे तक, और तक। फिर और उसके बाद देखते क्या हो, रात में कुछ होगा बट शाम में कहीं जाएंगे, दिन भर बोर तो नहीं होंगे, रील्स वगैरह आज बना लेंगे यहाँ पे, बनाइए ना रील्स ऐसे स्लो मोशन वगैरह यहाँ पे, अच्छा आता है। आज थोड़ा रेस्ट करने का मन है इसलिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। पीछे से आया है सलमान खान, आ गया तेरे नाम वाला, लगन 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 लगन। बस अभी उसके बाद क्या शाम को कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और कल मैं भी जा रही हूँ, मैं राहुल को वही बोलती हूँ, बोला राहुल मौसी चले गए, सब लोग चले गए, घर कितना ज्यादा खाली लगता है, बहुत लगता है, बोर लगता है, बहुत ज्यादा बोर, तो ऐसा सीन आ जाता है। मैंने तो बोला कि रुकते हैं कहीं बाहर ट्रिप करते हैं 3 दिन के लिए, बट लेकिन सिक्किम के लिए जा नहीं सकते, बाढ़ बाढ़ आया था इसीलिए मैं बोला भी नहीं, फ्लैश चल रहा है आपका। चलो कोई नहीं, अभी बहुत चीजें करनी है अपने रूम के लिए, अभी नेक्स्ट बेडरूम का टूर नहीं दिया मैंने तो वो भी देना है, तो देखते धीरे धीरे करके कब दे पाते। बट इस रूम में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया मायरा के रूम के लिए, थैंक यू सो मच। तो बहुत थक गया यार, 4-5 दिन से आप लोग सोच रहे हो इतना लेजी वेजी से बोल रहा है, लेकिन पूजा के 4 दिन जो ऐसे घूमा ऐसे पैदल चला, बॉडी जवाब दे दिया एकदम कि भाई आप रुक जा रेस्ट कर ले थोड़ा, उसके बाद चलेंगे कहीं पे भी, तो ये सीन हुआ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार करना।